दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। जिन लोगों ने लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम दिया था और वही लोग इस बार भी दे रहे हैं तो उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका प्री क्वालिफाई हुआ है और आप पहली बार आईबीपीएस पीओ के मेंस में बैठने वाले हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। जो आपके सेक्शन आएंगे, जैसे कि आपका रीजनिंग आएगा, आपका क्वांट आएगा, आपका इंग्लिश का सेक्शन आएगा, तो ये जो तीनों एग्जाम्स हैं, तीनों ये जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। इनके होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार हमने लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों की कमेंट्स हमने देखे हैं, उनका कहना था कि सर जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है क्या ये दोनों कंपलसरी हैं, क्या हमें दोनों ही अटेम्प्ट करने थे? जी हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों कंपलसरी सेक्शंस होते हैं और आपको दोनों ही सेक्शंस एग्जाम में बनाने हैं। अब इसमें और नई चीज क्या है, और नई चीज ये है कि कुछ क्वेश्चन दो नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं, जो आप सेक्शन ए और सेक्शन बी आप यहां पर देखेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है मेन, देखो जब आप पेपर को बनाते हो ना तो आपने एक पजल सॉल्व की, और अगर आप दो नंबर वाले पजल को सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर जो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू ये दोनों रिलेटेड होंगे और आप इसको बना लोगे। तो हमेशा पहले आपको अटेम्प्ट में यही सोचना है कि मुझे दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस बनाने हैं जिससे मैं ज्यादा मार्क्स पूरे पेपर में कवर कर पाऊं, फिर बाकी एक एक नंबर तो बनाना ही है। जब दो दो वाले आप नहीं बना पाओगे पेपर आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और एक चीज और है, जो लोग आईबीपीएस पीओ में अपियर कर रहे हैं उनके लिए लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स हमने करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप यहां पर जाओगे आपको हमारी एनुअल मेंबरशिप मिल जाएगी, उसमें सारे करंट अफेयर्स बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट में है। पीडीएफ को डाउनलोड करो, स्टैटिक जीके लास्ट सिक्स मंथ के हैं, सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको लास्ट ईयर का जो ये आपका हैंडआउट है वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। लास्ट ईयर जो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट था उसमें जो मेजर चीजें थी वो आप एक बार यहां पर देख सकते हैं। अब जैसे यहां पर ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहां पर मेंशन किया गया है कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो यहां पर सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। आप देखेंगे 45 क्वेश्चन आपके यहां पर रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दो दो नंबर वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक एक नंबर वाले होंगे, तो आपको पहले अटेम्प्ट में एक एक नंबर वाले की जगह दो दो नंबर वाले आपको ट्राई करने हैं। दो नंबर ट्राई करोगे तो आप ज्यादा पेपर को कवर कर पाएंगे, तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है। और बाकी हाँ, जो जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी बैंकिंग है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही आपके पेपर में रहने वाले हैं। ये आपके लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स हैं जिसमें 500 एमसीक्यूज हर एक मंथ के हैं। ये आपको मैंने जनवरी से डाल रखे हैं लेकिन आपको सिक्स मंथ की फाइल्स को ही देखना है। अब जैसे मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे ये जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये सारे मंथ जो दिए गए ना ये आपके एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और आप अगर इसको पढ़कर जाते हो तो आपको बेनिफिट गैस देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक पीडीएफ जो है वो डिटेल्ड करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में हमने दी गई है, ठीक है। और स्टैटिक जीके भी आपको लास्ट सिक्स मंथ के यहां पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स है जो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप यहां पर जाकर बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, और ये आपको डीआई में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, रीजनिंग में मिलेगा, बट आपको जनरल इकोनॉमी बैंकिंग में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पर, ताकि और लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से अवेयर थोड़ा सा हो पाए। और लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स को डाउनलोड करने के लिए करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको डिक्टो हर एक चीज मिल जाएगी बहुत ही सिक्वेंस फॉर्मेट में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।